हेलो गाइस, फुल देसी स्वाद में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आपको ट्रेडिशनल तरीके से ठेकवा कैसे बनाते हैं, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन चाहिए, उसमें एक कटोरी मैदा, फिर एक कटोरी से थोड़ा कम आटा, आप चाहे तो पूरा भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे इसमें शुगर पाउडर, आप चाहे तो जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने हाफ कटोरी लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। फिर लेंगे 2 स्पून किशमिश, हमने कट करके लिया है इसे हाफ हाफ, आप चाहे तो बादाम या काजू भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद अच्छा आता है। फिर हमने लिया है ड्राई कोकोनट, वो भी कद्दूकस किया हुआ, आप कटिंग किया हुआ भी डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे इलायची पाउडर, अब हम डालेंगे हाफ कप घी, या आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, इससे ठेकवा खास्ता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसका ख्याल रखिएगा। अब मिलूँगी, अच्छा उसे मिक्स करना है पहले अच्छे से, फिर हाफ कप दूध लिया मैंने, हल्का गरम दूध है, एकदम हल्का गरम, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार में ज़्यादा नहीं। और एक डो तैयार करना है, एकदम आटे जैसा नहीं, हार्ड डो तैयार करना है, और अच्छे से मसल मसल कर ताकि खास्ता हो। और इस तरह से आपको चेक भी करना है, ये देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि अभी डो अच्छे से तैयार नहीं हुआ है, इसे और मसलना है। और अगर दूध की आवश्यकता हो तो आप थोड़ा और मिला सकते हैं। और फिर इसे अच्छे से मसलें, जितना मसलेंगे उतना खास्ता बनेगा, इसका आप ख्याल रखें। ये देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं हाथ में लेके ऐसे, और इस तरह से आपको चेक करना है। ये देखिए इस तरह से हम कर रहे हैं, अब हमें हमारा रेडी हो गया, इसी तरह अब हम सारा रेडी करके रख लिया। अब एक लेंगे, उसे हल्के हाथों से प्रेस करें, ध्यान रहे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ना ये ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही पतला, इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए अब हम ये कद्दूकस करने वाला लेंगे, और उसमें डिज़ाइन के लिए बस एक आपको करके दिखा रहे हैं इस तरह से, और उसे धीरे धीरे उठाइएगा उसको इस तरह से, देखिए कितना बढ़िया निकल के आया। आप चाहे तो ठेकुए के सांचे में भी इसे कर सकते हैं, मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्पून से भी करके बताती हूँ, आप चाहे तो स्पून से भी इस तरह से डिज़ाइन डाल सकते हैं। देखिए आप प्लेन भी बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ है। और इसी तरह से आप सारा रेडी कर लें। अब ये देखिए तेल गर्म है, इसमें छोटा सा डाल के आपको चेक करना है तेल गर्म हुआ कि नहीं। अब एक एक करके ठेकुआ डालिए, लो फ्लेम पे रहना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम ठेकुओं को फ्राई करेंगे, आराम आराम से डालिएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा ठेकवा रेडी हो गया है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी ये आप हमें कमेंट
सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। थैंक यू।